दोस्तों हाउसफुल 5 की अनाउंसमेंट पर प्रियंका चोपड़ा का आया तगड़ा रिएक्शन, कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिनेमा के जाने माने दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म हाउसफुल की 5वीं सीरीज का आगाज हो गया है। अक्षय कुमार ने फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है। ये फिल्म अगले साल यानी कि 2024 तक सिनेमाघरों में पहुंचेगी। इस फिल्म से एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख दर्शकों को लोटपोट कर देंगे। इस फिल्म के सभी पार्ट को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। इस वजह से मेकर्स ने इसका 5वां पार्ट बनाने का ऐलान किया है। इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की फ्रेंचाइजी फिल्म साजिद नाडियाडवाला के बैनर ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तले किया जाएगा। आपको बता दें कि हाउसफुल के मेकर्स ने सीरीज 5 के धमाकेदार ऐलान के साथ फिल्म की रिलीज डेट की भी जानकारी दी। ये फिल्म अगले साल यानी कि 2024 में दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हालांकि फिल्म के प्रति दर्शकों का क्रेज अभी से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अब अक्षय कुमार की मूवी हाउसफुल 5 चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी अक्षय कुमार ने हाल ही में एक पोस्टर शेयर करते हुए हाउसफुल 5 की अनाउंसमेंट कर दी है। वही फिल्म के डायरेक्टर ने भी इस फिल्म का पोस्टर शेयर किया है, जिस पर प्रियंका चोपड़ा ने अपना रिएक्शन दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका ने कहा ओहो लेट्स गो। दोस्तों कुछ इस तरह का रिएक्शन प्रियंका चोपड़ा का आया है। यहाँ से एक और बहस शुरू हो गई है। दरअसल प्रियंका का हाउसफुल 5 पर ऐसा रिएक्शन आने से फैंस के बीच चर्चा है कि प्रियंका भी हाउसफुल 5 का पार्ट होने वाली है। वैसे ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि प्रियंका की ज्यादातर ऐसे रिएक्शन देखने को नहीं मिलते। और अगर प्रियंका इस फिल्म का हिस्सा है तो हाउसफुल मेकर्स कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहे हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। खैर जो भी हो, अगर प्रियंका की एंट्री हाउसफुल 5 में होती है तो काफी मजा आने वाला है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, प्रियंका चोपड़ा हाउसफुल 5 में होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डायहार्ड फैन है तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।